आज हम बात करेंगे कॉफी के बारे में। जो कॉफी होती है वो क्या आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती है, क्या आपकी बॉडी के लिए बुरी होती है? तो शॉर्ट आंसर है इसकी, बहुत ज्यादा बुरी होती है आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए और आपकी जो लॉन्ग टर्म फिटनेस है उसके लिए। नाउ यस, कॉफी जो है ना वो आपको कुछ हद तक हेल्प कर सकती है आपके फैट लॉस के लिए, आपके वेट लॉस के लिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हो आपकी हेल्थ को, आपके फिटनेस को, तो इट इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आपको अपनी बॉडी में डालना चाहिए। आज हम इस वीडियो में हर एक चीज के बारे में बात करेंगे कॉफी से रिलेटेड। दैट मींस वी आर गोइंग टू डू कॉफी 101। आई एम आयुष, योर ऑनलाइन फिटनेस कोच। लेट्स स्टार्ट। नाउ अगर आप ऐसे इंसान हो कि आप पूरे दिन के अंदर 3 से 4 कप कॉफी के पीते ही हो, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप आज का वीडियो देखें। जो कॉफी होती है ना, दैट इज अनडाउटली रिच इन कैफीन। कॉफी का एक कप जो होता है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 100 mg कैफीन होता है। एंड कैफीन जो है ना, दैट इज क्लासिफाइड एज साइकोएक्टिव ड्रग। दैट मींस कि एक एक्सटर्नल सब्सटेंस है, अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो आपका जो ब्रेन है, ब्रेन की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट होते हैं, जस्ट लाइक मैरिजुआना और कोकेन। नाउ ये जितने भी साइकोएक्टिव ड्रग्स होते हैं ना, इसके लिए एक पर्टिकुलर ग्राफ होता है, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी वर्सेस डैमेज स्केल। तो वाई एक्सिस जो होती है, दैट रिप्रेजेंट्स डिपेंडेंस, मतलब आपकी जो बॉडी है वो सब्सटेंस के ऊपर कितना डिपेंडेंट हो जाएगी, कितना अडिक्ट हो जाएगी। एंड जो एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है डैमेज, कि अगर आप वो सब्सटेंस लेते हो तो आपकी बॉडी के ऊपर कितना डैमेज होता है। तो जैसे जैसे आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर की तरफ आते जाओगे, आपकी जो सब्सटेंसेस होंगे वो सेफर होंगे। एंड जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे राइट हैंड की तरफ, आपकी जो सब्सटेंसेस होंगे वो वर्स्ट होंगे। जो टॉप राइट पे आपको मिलेगा, दैट इज हेरोइन और कोकेन, एंड बॉटम लेफ्ट पे आपको मिलेगा मैरिजुआना। नाउ इंटरेस्टिंगली, जो कैफीन है ना, अगर हम डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो वो सेम हाइट पर है जस्ट एज मैरिजुआना। दैट मींस कि आपकी जो बॉडी है वो उतना ही डिपेंडेंट होगी कैफीन के ऊपर भी, जितना वो वीट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। लेकिन जो कैफीन है ना, वो थोड़ा सा राइट साइड में, दैट मींस कि ये आपकी बॉडी को ज्यादा डैमेज पहुंचाएगा व्हेन कंपेयर्ड टू मैरिजुआना। नाउ जो वीट है ना, वो इतनी एडिक्टिव नहीं होती है। दैट मींस कि जो कॉफी है वो भी इतना एडिक्टिव नहीं हो सकती है, बट स्टिल कॉफी आपकी बॉडी को ज्यादा हार्म पहुंचा सकती है, क्योंकि जो वीट है ना वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है मार्केट के अंदर, लेकिन जो कॉफी है वो आपको हर एक दुकान पे मिल जाएगी। नाउ अगर आप एग्जांपल लो आपके खुद के घर का, तो आपने कभी भी ना आपके भाई बहनों को या फिर आपके पेरेंट्स को जॉइंट स्मोक करते हुए देखा होगा, लेकिन आपने उनको कॉफी पीते हुए जरूर देखा होगा। एंड हमें ना बचपन से यही लगता है, जो ये कॉफी है, जो शुगर्स है, आप कंज्यूम कर सकते हो, आपकी बॉडी के ऊपर एज सच कोई हार्म नहीं होता है। एंड इसीलिए ना, रोज जब भी दूध पीने का टाइम होता था, वी यूज्ड टू हैव कोल्ड कॉफी। लेकिन जो मॉडर्न फिटनेस साइंस है ना, दैट सेज अदरवाइज, कि आप कॉफी नहीं कंज्यूम कर सकते हो, आप शुगर्स नहीं खा सकते हो, आपकी बॉडी के ऊपर ना बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। नाउ हम बात करते हैं कि आप जब भी कॉफी पीते हो तो आपकी बॉडी के अंदर एक्चुअली चलता क्या है। नाउ फर्स्टली, देयर इज समथिंग कॉल्ड एडेनोसाइन। जब भी आप कोई अपना डे टू डे वर्क करते हो, आप वर्कआउट करते हो, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो एज अ बाई प्रोडक्ट ये एडेनोसाइन मॉलिक्यूल जो है, ये रिलीज होता है आपकी बॉडी के अंदर। नाउ ये जो एडेनोसाइन है ना, वो आपके ब्रेन में जाता है, एंड आपके ब्रेन के ऊपर एडेनोसाइन रिसेप्टर्स होते हैं। इट्स लाइक ये एडेनोसाइन का मॉलिक्यूल है, ये रिसेप्टर है, जैसे ही वो कंबाइन होते हैं ना, आपकी बॉडी के ऊपर कुछ इफेक्ट्स होते हैं। एंड दोस इफेक्ट्स आर कि आपको फटीग फील होगा, आपको टायर्डनेस फील होगी, एंड आपको नींद आएगी। एंड इसीलिए अगर आप देखो ना, आप सुबह से लेके अगर शाम तक काम करते हो, तो आपको शाम को आने के बाद नींद आती है। दैट इज जस्ट बिकॉज कि जो एडेनोसाइन है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर डेवलप होता रहता है, एंड एट द एंड वो आपकी जो ब्रेन के रिसेप्टर्स होते हैं उसमें जाके कंबाइन हो जाता है। एंड आपका ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी को सिग्नल करता है दैट अब मैं थक गया हूँ, अब मुझे नींद आ रही है, अब मुझे सोने की जरूरत है। नाउ ये जो वीडियो है वो कॉफी का है, कैफीन का है, तो हम इसके अंदर एडेनोसाइन की बात क्यों कर रहे हैं? दैट इज बिकॉज कि जो कैफीन है, जो एडेनोसाइन होता है ना, उन दोनों का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। एंड जो वो कैफीन का मॉलिक्यूल है ना, वो आपके उन ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स है उसके ऊपर अच्छे से फिट हो जाता है। एंड उसके बाद क्या होता है, आपका जो ब्रेन है वो आपकी बॉडी को सिग्नल नहीं दे पाता है कि मैं थक गया हूँ, मुझे फटीग आ रहा है, या फिर मुझे नींद आ रही है। एंड इट्स लाइक कि आप जब भी कॉफी पीते हो ना, आपको एक एक मिलती है, आपकी जो टायर्डनेस होती है बॉडी की वो सारी चली जाती है, आप एनर्जाइज फील करते हो। एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली साइकोएक्टिव ड्रग्स जो होते हैं ना, वो आपकी बॉडी के ऊपर करते हैं। एंड इफ आप हर दिन कॉफी पीते हो 3 से 4 कप, तो ये आपके ब्रेन के लिए ना एक नई सिचुएशन है। एंड आपका ब्रेन सोचता है जो एडेनोसाइन था
वो अभी मेरे रिसेप्टर्स पे अटैच क्यों नहीं हो रहा है, हो सकता है कि रिसेप्टर्स कम हो गए हो, तो कंपनसेट करता है नए रिसेप्टर्स बना के। नाउ जैसे जैसे वो रिसेप्टर्स बढ़ते जाएंगे, एंड सपोज कि आपने किसी दिन कॉफी नहीं पी, तो आपकी जो पहले के रिसेप्टर्स है ना वो भी फ्री रहेंगे, एंड आपकी बॉडी में जितना भी एडिनोसाइन है वो उसमें तो अटैच हो गई, एंड उसके साथ साथ में जो नए रिसेप्टर्स हैं उस पे भी अटैच होगा। दैट मींस कि जो इफेक्ट्स आने थे ना, जो फटीग आना था, जो टायर्डनेस आनी थी, जो नींद आनी थी आपको, वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड हो जाएगी। एंड देयर इज एक्चुअली वन मोर थिंग, अगर आपको एक कप कॉफी पीने से वो किक मिलती थी ना, तो ये रिसेप्टर्स बढ़ने के बाद आपको एक कप से ज्यादा पीनी पड़ेगी फॉर दैट सेम किक। एंड इसीलिए ना लोग स्टार्ट करते हैं एक कप कॉफी से, लेकिन इट जस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, एक से दो होता है, दो से तीन होते हैं, आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है तो आप बहुत ज्यादा तेज भागते हो, एंड उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर ये हार्मोन रिलीज होता है। एंड ये हार्मोन एक्चुअली करता क्या है, ये आपके माइंड को एंड आपकी जो बॉडी है उसको बेटर कोऑर्डिनेशन से वर्क कराता है। एंड जब भी आप कॉफी पीते हो, कैफीन कंज्यूम करते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर ना ये जो हार्मोन है एड्रेनालिन की स्पाइक होता है, एंड इससे ना आपको सेम इफेक्ट मिलेगा, लाइक आपका जो माइंड है एंड आपकी जो बॉडी है वो अच्छे कोऑर्डिनेशन से वर्क करेगी। एंड इसीलिए बहुत सारे जो प्री वर्कआउट्स है, लाइक ऑलमोस्ट सारे प्री वर्कआउट्स के अंदर आपको कैफीन का कंटेंट जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। एंड प्री वर्कआउट में हम कैफीन लेते हैं बिकॉज जो कॉफी है वो अनडाउटेडली आपके वर्कआउट्स के अंदर हेल्प कर सकती है आपको। एंड अगर हम वर्कआउट्स की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिम जाते हैं जो एडिक्ट हो चुके हैं कैफीन के। इट्स लाइक कि अगर वो प्री वर्कआउट ही लेंगे, वो ब्लैक कॉफी नहीं पिएंगे ना वर्कआउट से पहले, तो वो उतना इंटेंसिटी से अपना वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो ना कि आपकी जो फिजिकल कैपेबिलिटी है उस वर्कआउट को करने के लिए आप उसको डिपेंडेंट बना रहे हो एक एक्सटर्नल सब्सटेंस पे, दैट इज कैफीन। एंड सेकेंड हार्मोनल चेंज जो होता है आपकी बॉडी के ऊपर कैफीन लेने से, दैट इज ऑन डोपामाइन। एंड डोपामाइन जो है ना, दैट इज योर हैप्पी हार्मोन। एंड ये जो कैफीन है ना, ये आपकी डोपामाइन लेवल्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इट्स लाइक कि आप जब भी एक कप कॉफी का पीते हो आप खुश होते हो, आप हैप्पी होते हो। एंड जैसे जैसे आपको आदत पड़ती जाएगी, जैसे जैसे वो रिसेप्टर्स बढ़ते जाएंगे, तब तब आपको ना कॉफी ज्यादा चाहिए होगी इन ऑर्डर टू स्टे हैप्पी। अदरवाइज आप क्या होगा, लो फील करोगे या फिर आप अनहैप्पी फील करोगे। तो कंक्लूजन पे आते हैं कि जो कॉफी है, कैफीन है, आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन आपको लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम करना है। एंड आपको ट्राई करना है कि आप जब भी कॉफी पियो या फिर कैफीन कंज्यूम करो, आप उसको यूटिलाइज करो अपने वर्कआउट्स के लिए। दैट मींस कि आप अपने प्री वर्कआउट्स में कॉफी पी सकते हो। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि मैंने आपकी जितने भी कॉफी से रिलेटेड डाउट्स हैं मैंने ऑलमोस्ट क्लियर आउट कर दिए हैं। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। एंड आई ऑल्सो होप कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया है। अगर नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।